हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सरकारी करियर जॉब। UDHD बिहार की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, सैलरी क्या मिलेगी, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बिल्कुल आप लोगों से, हमारे चैनल सरकारी करियर जॉब पे अगर आप पहली बार आए हो, वीडियोज देख रहे हो, तो प्लीज़ फिर लाल बटन सब्सक्राइब का आपको अभी वीडियो के नीचे नजर आ रहा हो तो इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या किसी भी टाइप के वैकेंसी से रिलेटेड, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और अब देख पा रहे, हमने बहुत सारे रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। इन वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर चैनल पर भी आप चाहो तो आकर इन वीडियोज को देख सकते हो। मैं गारंटी कहता हूँ ये सारी वीडियोज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ कमेंट करके, चाहो कोई डाउट क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो, या इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो आप, तो जरूर नीचे कमेंट करके आप पूछना, हम जरूर इसका आंसर करेंगे। और इस वीडियो को वीडियो अच्छी लगी तो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी अगर एलिजिबल हो तो उनका हेल्प हो और वो भी अप्लाई कर पाए। वैकेंसी बहुत ही अच्छी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना, कैसे ना हो स्किप करने में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। वीडियो को शुरू करते हैं। UDHD मतलब अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेट से। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 19 नवंबर 2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया। लास्ट जो एप्लीकेशन के रखा गया वो 7 दिसंबर 2020 होगा, सॉरी यहाँ पे 2021 से, लेकिन नहीं 2020 यहाँ लिखा है, 7 दिसंबर 2020 लास्ट डेट रखा गया एप्लीकेशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, देन लास्ट डेट से पहले ही आप अप्लाई कर देना, कैसे ना लास्ट डेट को प्रॉब्लम क्रिएट हो फिर आप अप्लाई ना कर पाओ। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखिएगा, अगर आप एलिजिबल हो देन अप्लाई जल्द से जल्द आप कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मिनिमम उनकी एज कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो कैंडिडेट्स, लेकिन मिनिमम उनकी एज 18 साल होनी चाहिए, उससे कम के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन जेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं मेल, उनके लिए मैक्सिमम एज रखा गया है 37 ईयर्स। किसी भी कैटेगरी से हो मेल, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 37 ईयर्स तक मैक्सिमम एज रखा गया फॉर जनरल कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम एज रखा गया जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए वो 37 साल है। मैक्सिमम एज रखा गया जनरल कैटेगरी के फीमेल्स के लिए या फिर बीसी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए, उनके लिए 40 साल है। और मैक्सिमम एज फॉर SC ST कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई डिपेंड नहीं है, कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स है, लेकिन वो SC ST कैटेगरी से रिलेटेड है, तो उनकी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है मैक्सिमम 42 ईयर्स, 42 साल एज लिमिट रखी गई। एज लिमिट को एक बार आकर के आप जरूर चेक कर लेना पहले अप्लाई करने से पहले। अब बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना। पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, सिविल की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लिया तो 358 पोस्ट की वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, अगर आप एलिजिबल हो देन अप्लाई जरूर करना, ये बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकलती हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लिया, कैंडिडेट के पास ओनली डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। दोनों में जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, इसमें 42 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात कर लीजिए, कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तीन नंबर जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, इसमें 42 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात कर लीजिए, कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, अगर मैं टोटल राउंड अप करूँ तो टोटल 442 मतलब 442 पोस्ट की वैकेंसी है। तो अगर आप एलिजिबल हो देन अप्लाई जरूर करना, ये चांस बहुत ही कम निकलता है, इसलिए अप्लाई जरूर करना। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है आपको अप्लाई ऑनलाइन करने, कोई और एप्लीकेशन मोड यूज नहीं करना। कोई एप्लीकेशन मोड अगर आप यूज करो देन आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो देन अगर आप एलिजिबल अप्लाई जरूर करना, 442 पोस्ट की वैकेंसी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन से रीड करो, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, यही वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस थी। अब आगे एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आप एलिजिबल हो देन इन वीडियोस को भी आकर आप जरूर देखना, ये सारी वीडियोस हमने लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड अपलोड किया, मैं गारंटी कहता हूँ ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। एक तरफ बिहार की तरफ से 8,415 पोस्ट की वैकेंसी, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंडियन ऑयल की वैकेंसी से रिलेटेड SBI की वैकेंसी है, ITI लिमिटेड की वैकेंसी है, SBI की वैकेंसी, इन सारे वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके इन वीडियोज को भी आप जरूर देखना, वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।